इंसान हुक्का पी सकता है, लेकिन इस चीज़ को हम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते, अच्छी चीज़ नहीं है। बट हाँ, ये बड़ी अमेजिंग सी चीज़ थी चाचा के हाथ में, ये देखो बैठे कैसे। लेकिन हम रास्ता भटक गए थे, रास्ता इसलिए भटक गए क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है। पहाड़ी, इसके पीछे हमें जाना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? आई नो मुलाकात थोड़ी सी लेट हो रही है, एंड द रीज़न यू नो, उमर के घर में शादी है और हम भी पिछले दो दिन से यही पड़े हैं। पापा वहाँ से वालेकुम सलाम कर रहे हैं। ये देखो कल का काम बहुत हैक्टिक है, इस रूम में भी काम चल रहा है। और आप लोगों को पता ही है कश्मीरी, एक सेकंड में पहले मैं बैठ जाता हूँ, आप लोगों को पता ही है कश्मीरी शादी कितनी हैक्टिक हम लोगों ने ही बनाई है, ठीक है। और हम भी पिछले 10 दिन से इसी में लगे हैं और इस वजह से अपडेट नहीं आ पा रहा था, उमर का भी और मेरा भी। लेकिन आज हमने सोचा व्लॉग स्टार्ट करते हैं और कहीं बाहर चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा सफोकेट हो रहे थे हम यहाँ पे, आज थोड़ा सा ट्रैक करेंगे हम, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी से वापस आने की, क्योंकि शादी को खाली रह चुके हैं 6 से 7 दिन और इनवाइट हो चुका है रिश्तेदारों का, अभी दोस्तों का बाकी है। कल से हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं इतना धीमे धीमे क्यों बोल रहा हूँ, तो कल से वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। हमारे दोस्त साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल, हर जगह पे है। कल से दोस्तों का इनवाइट स्टार्ट होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं घर जाता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, फिर चले जाते हैं ट्रैक पे। अगर पॉसिबल हुआ थोड़ी सी गैप निकालेंगे, क्योंकि हम बहुत बहुत तंग आ चुके हैं और अपडेट भी नहीं दे पा रहे थे। ये देखो लहारी बाबा, चलो चलो तो चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। स्कूटी की चाबी 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 ये ले रहे हैं। मैं चला, ठीक है, जस्ट कीप इट अप, आप काम करो, ठीक है। मैं सीधे मिलता हूँ आपसे मेहंदी रात के दिन, ठीक है। हाँ, रेडी रहो और वहीं से आ जाना, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। लेट्स गो गाइस। रास्ते यहाँ दोस्त मिल गए, पहले इसको धोते, ठीक है ना, दोनों को फ्री सर्विस, फ्री। चलो चलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, ठीक हो? मतलब किसी ने चेहरा नहीं धोया, मुंह नहीं धोया, वो कैसे लंगोटिया कहाँ है मेरे लंगोटिया, बच्चे कहाँ रखे? हाय, देखो कितने तेज हो गए, ये देखो ये देखो ये देखो, 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 देखो। कैसे हो अब, कैसे हो? माशाल्लाह, चलो मैं फ्रेश होता हूँ, फिर खेलते हैं अच्छे से, जब तक उम्मीद आ जाएगा, है ना। अला, मैं फ्रिज नहीं खोलने वाला, कम से कम अभी तो नहीं, बाद में। चलो जी, मम्मा से अच्छे से मिल लिया हम, और हाँ फ्रेश भी हो गई। उमर ने कॉल किया कि अपनी गाड़ी ले आओ, उनके घर वाले कहीं चले गए इनविटेशन के लिए, और हाँ जाना कहाँ है हमें, जा सनस्क्रीन उठाते साथ में, ये अच्छी चीज़ है। बाकी सारी मतलब सारी चीज़ें, बैकपैक मेरा भी, उमर के गर्मी है, सनस्क्रीन रह गया था। और हाँ, जगह हमने चूज़ की है लाम त्राल वाटरफॉल, पिछले साल हम गए थे उधर, लेकिन तब मैं व्लॉग्स नहीं बनाता था, उसको एक्सप्लोर करेंगे, बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है। तो फिलहाल यहाँ से निकलते, लेट्स गो। खूबसूरत तो वो जगह है, लेकिन प्रॉब्लम उसकी एक ही है, वो खाली 3 महीने तक रहती है, मार्च, अप्रैल, मई और मतलब जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून तक, वरना वो बहुत अच्छी जगह है, मतलब अगर वो कंटिन्यूसली पूरे साल तक रहेगा। फिर भी आज चेक करेंगे है वहां पे आज के नहीं, एनीवेज जो भी है, तो चलो ऐसे फिलहाल निकलते। अब यहाँ रहते रहते घर का फील आने लगा, ऐसे है ही घर, बट अपने घर का फील चला दिया, यहाँ मजा आता है। लेकिन आज चले जाएंगे मुझे लगता है हमारे घर, उमर को लेके, 2-3 दिन यहीं पे मैं था, तो आज उमर को ले जाऊंगा साथ। निकल भाई, आ गए भाई लोग, मेरा बैग बैग, वासिद चल चल चल, कोई नहीं कोई नहीं।
रख दे। अच्छा जल्दी मेरी जान, लेट हो गया। चलो करी शुरुआत ना। क्यों, क्या गर्मी है भाई गाड़ी। क्या हो गया तो गर्मी में भाई। शुरुआत करें, लेट्स बिगिन आवर जर्नी। अब ये क्या है, शीशे खोल दो भाई। ये लो जनाब, ये पहुंच गए हम। इसको कहते हैं लाम त्राल। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। और ये जो टीला आप देख रहे हो, ये छोटी पहाड़ी, इसके पीछे हमें जाना है। गाड़ी जाएगी इस मकान के पीछे तक। हाँ, गाड़ी रखेंगे हम और ट्रैक हमारा स्टार्ट होगा वहीं से। इसके पीछे हमें जाना है। तो ये रख दी हमने गाड़ी, सामान सारा ले लिया बासित। हाँ, सारा ले लिया। ठीक, अब चलेगा सनस्क्रीन और उसके बाद क्लिक। हमारा रास्ता और यहाँ पे एक पहाड़ है, वो हमें कहाँ से जाना है वो मैं दिखाऊंगा। ये छोटा सा गांव एंड वो तो एक घर में। ये रहा हमारा रास्ता, ठीक है। ये रहा सेल्फ डिफेंस, ये रहा ट्रैकिंग पोल। लेट्स गो। बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई विश ये पहाड़ी हम क्रॉस कर इसके टॉप पे चढ़ जाएं। बट अभी एक छोटी सी बैड न्यूज इन्होंने बता दी। भाई लोग मिले थे, इन्होंने कहा कि ये रास्ता आगे कटा हुआ है, बट फिर भी वी विल ट्राई। हाँ ठीक है ना। ये देखो भाई लोग कैसे बाइक को आगे बढ़ा रहे हैं। चलते रहो। उमर छूट गया हमसे, वो उस साइड से है। अब हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैंने रिंग लाई थी बालों के लिए, वो गाड़ी में ही रह गई। ओह लंबे बालों की ये प्रॉब्लम है। पसीने से बेहाल हो गया मैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये पहुँच गए हम पानी के पास। आई थिंक हमें इसे क्रॉस करना है। वरिष भाई कहाँ पे चल गए यार? उमर वो कॉल नहीं किया, कब से ढूंढ रहे हैं, उसको मिल ही नहीं रहा यार। ये मसला हो गया। एक सेकेंड, आराम से आ जाओ। वो रहा मिल गया। चलो, लेकिन हम रास्ता भटक गए थे। रास्ता इसलिए भटक गए क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है। हाँ लेकिन वो औरत मिली ना, उन्होंने बोला यहाँ से जाने। ठीक है, एक साथ चलो, एक साथ रहते हैं। उमा का कहना है कि एक साथ रहो, लेकिन वाइप चेक करो पहले। माशाल्लाह लगता है कि हमारा त्राल है ये देखो। ओह ओह, अभी है कुछ एक आधे घंटे का ट्रैक होगा, एक घंटे तक का। कितना टाइम, कितना 20 मिनट और लगेंगे इधर से कि उधर से? इधर से सीधे। ये को सीखे मुन में ट्रैक कर रहा था। ये मेरी लाश को कोई घर ले जाओ। ये हसरे खाली माँ की पसीना देखो अल्लाह की कसम। चलो हम वहाँ रुके थे, पहला स्टॉप हमने वहाँ किया था, लेकिन मम्मी का कहना है कि थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी धूप थी। और ये देखो इस नज़ारे में हम फ्रूट खाएंगे। देखो गीला हो गया ये। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट हो गया हमारा थोड़ा सा। अब ये बैग हल्का हो गया, इसको हम फेंक देते हैं यहीं पे। ये इसका है। जितना हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे उतना हम हल्का होते जाएंगे। इसको रहने देंगे। चलो ये दे मेरा ट्रैकिंग पोल का। ये दे उठा उठा, इसको कौन उठाएगा? अरे उठा प्लीज प्लीज। पाँच दस मिनट ट्रैक करने के बाद ये देखो साइड में एक छोटी सी वैली। माशाअल्लाह। उमा जानी ड्रोन उठाए। चलो देख लो ये छोटी सी वैली ड्रोन फुटेज के थ्रू। Thank you.
कैसी रख दूं मैं? फैन का काम ड्रोन दे रहा है अभी, ऐसी रख। ओह भाई साहब, ये थी ड्रोन फुटेज, कैसी लगी? इस छोटी सी वैली का ड्रोन फुटेज था। तो चलो बढ़ते हम अपने सफर की ओर। उमर और दो तीन बंदे और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो के हैं श्रीनगर साइड से। तो लेट्स गो, चले चलो बड़े चलो। ये रही पहली गिलिम वाटरफॉल की, लेकिन सारी मेहनत बेकार, सारी मेहनत ज़ाया होगी। हाँ खैर, ट्रैक तो किया हमने, लेकिन जैसा मैंने व्लॉगिंग की स्टार्टिंग में बोला था कि मार्च अप्रैल तक ये बहुत अच्छा वाटरफॉल देखने को मिलता है। हम इस साल हमारा थोड़ा सा लेट हो गया। पिछले साल हमने यहाँ पे नाते पाक का शूट किया था। हाँ, यासिर का नाते शरीफ था, उसका शूट किया हमने। लेकिन ये देखो पानी बिल्कुल कम है। चलो ट्रैक हो गया, ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम 5-10 दिन से बहुत सफोकेट हो रहे थे घर में। शादी का तामझाम बहुत मुश्किल होता है उस वजह से, और हालत तो आप देख ही रही हो, बताने की ज़रूरत नहीं। ओह, थोड़ा सा क्लोज आके दिखाते हैं। यहाँ नज़दीक पहुँच के पहले पानी पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जंगल में कुछ भी चलता है चलेगा, आँख नहीं निकाल। आज इसने मुझे इरिटेट किया, थोड़ा सा यहाँ पे पहुँच के मायूस हो गए, वो है उस गंध को देख के। पिछले साल आए थे, अनएक्सप्लोर्ड जगह थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जहाँ इंसान जाता है वहाँ ये चीज़ें लाजमी आ जाती है। प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखा करें आप। ये इतनी खूबसूरत जगह थी, लेकिन ये देखो इसका हाल, हर जगह पे पॉलीथीन। तो इस चीज़ का प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ कोशिश किया करेंगे इस प्लेस को, या किसी भी प्लेस को आप कहीं पे भी जाओगे फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ, उस प्लेस को फिर लास्ट में साफ़ किया करें। 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। और पानी तो वैसे उतना था भी नहीं। एनीवेज रेस्ट तो यहाँ पे लेते हैं 10 मिनट का, एंड देन निकल जाते हैं। देखो इस कचरे की बात कर रहा था मैं, ये देखो जहाँ नज़र दौड़ा वहाँ पे पॉलीथीन, ड्यू के वो बोटल्स। तो प्लीज़ इस चीज़ को मद्देनज़र रखा करो, हम हर बार कहते हैं। आज थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ, लेकिन एनी वेज जो भी देखने को मिला माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत, ठीक है ना, बहुत खूबसूरत। तो फ़िलहाल इस प्लेस को हम बाई बोलते हैं, ट्रैकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी तक पहुंच के आपसे फिर से मिलेंगे। पहुंचे हम छोटी सी वैली में, जिसका आपने ड्रोन फुटेज देखा था। यहाँ थोड़ा सा बैठ के हम चाय तो नहीं पियेंगे, लेट हो गया। हमने रोटी लाई थी और हाँ बटर लाई थी, वो खा के निकल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हल्की फुल्की रोटी खा ली हमने। इस खूबसूरत सी प्लेस को हम बाय बोलते हैं, तो सीधे जाते हैं हम कार्ड लेने, इनविटेशन कार्ड। वो कल ना थोड़े से रह गए थे ऑर्डर वाले के पास, फिलहाल हम वही जाते हैं। लेट्स मूव। मुझे भी दिखा हुक्का हुक्का, ट्रेडिशनल हुक्का, जिसको हम कश्मीरी में जजीर बोलते हैं। हमारे चाचा जी ने इसको साथ उठाया है, अपने सेल लगी है, छोटी सी बोतल लगी, और यहाँ से हुक्का इंसान पी सकता है। लेकिन इस चीज़ को हम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते, अच्छी चीज़ नहीं है। बट हाँ, ये बड़ी अमेजिंग सी चीज़ थी चाचा के हाथ में। ये देखो बैठे कैसे, माशाल्लाह। सही सही, तो चलो, कितनी अच्छी चीज़ है देखने को मिलती है ना राहुल, बहुत अच्छी चीज़ है। चलो
तो हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, एक सलाह थी कि ट्रैकिंग के कुछ नहीं है, घर में बैठो आराम से, ठीक है। अस्थमा होने का खतरा है कि मैं इतना हाँप रहा था, ये पता मेरे को कैसे देख रहा हूँ। अच्छा, अभी फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं और जाना हमें कहाँ है वासित? अवंतीपुर। सच में अभी जाना? हाँ, वो इनविटेशन कार्ड्स में उसको कॉल करेंगे, लेट हुआ है। अगर उसने बोला आ जाओ तो जाएंगे, अगर नहीं तो इस व्लॉग को फिर वहीं पे एंड कर देते इंडिया फिलहाल के लिए। लेट्स गो। इनविटेशन कार्ड हमने लाए लेकिन लेट बहुत हो गया। हम पहुंचे फिर से उमा के घर, ठीक है। और हाँ, इस व्लॉग को यही एंड कर देते। वारिसपान यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज भी नाइट हमारी उमा के घर में ही है। और हाँ, आज बहुत ज्यादा थक गए। इंशाल्लाह कल व्लॉग देखना, काफी टाइम बाद हमारी मुलाकात हो जाएगी। आज तो ये व्लॉग नहीं आएगा, कल आएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।